मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उस हिसाब से. मेरा नाम है शमसिल, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सीए मित्रा. इस चैनल के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी टैक्स अपडेट्स आती हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, जो भी ड्यू डेट्स में अमेंडमेंट्स आते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या जीएसटी से जुड़ा हुआ, तो इसकी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें. तो आज हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स अपडेट्स लेकर के आए हैं ड्यू टू COVID-19 कोरोना वायरस. दोस्तों आपको पता होगा कि पूरी दुनिया इस समय, ऑल कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम दिस COVID-19 वायरस. जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 8.5 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं. तो हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से इसे टैकल कर रही है. उसी तरह हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ अपडेट्स दिए हुए हैं, कुछ ड्यू डेट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जो ड्यू डेट्स थी उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया है ताकि हमें, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो सप्लायर हैं, जो एसएससीज हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिलीफ मिल सके, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से जुड़ा हुआ हो. तो आज हम उन्हीं ड्यू डेट्स के बारे में डिस्कस करने आए हैं और ये डिस्कस करेंगे कि इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपडेट्स की तरफ. तो पहला अपडेट ये जुड़ा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ है. तो इनकम टैक्स रिटर्न की जो वैसे ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन अगर बाई चांस आप 31 जुलाई तक अपना ITR नहीं फाइल कर पाते हैं तो फिर विद लेट फीस के साथ आपकी जो ड्यू डेट होती है वो 31 मार्च होती है. यानी कि लेट फीस के साथ आप 31 मार्च तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं. लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके जो डेट हो गई है वो हो गई है 30 जून 2020. यानी कि अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके पास 30 जून तक का टाइम है, आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं. यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो एक्सटेंशन हुआ है वो ड्यू डेट का हुआ है, जो लेट फीस लगती थी उसका कोई वेवर नहीं हुआ है. तो लेट फीस एज इट इज लगेगी, ITR आप जो है फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020 तक. इसी में जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि पहले अगर आपको कोई टैक्स प्लानिंग करनी थी, कुछ इन्वेस्टमेंट करने थे जिसकी आपको छूट मिल जाती थी सेक्शन 80C में, तो उस इन्वेस्टमेंट की जो ड्यू डेट होती थी वो भी 31 मार्च तक होती थी. गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया है. यानी कि अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करी है तो आपके पास टाइम है, आप 30 जून तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. और दोस्तों आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि जहाँ पर आपको टैक्स में भी छूट मिल जाए और आपको उस इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न भी मिले. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, टैक्स प्लानिंग नहीं करी हुई है, तो आपके पास 30 जून 2020 तक का टाइम है, आप अभी भी अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. दोस्तों अगला जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जुड़ा हुआ है GST से. लेकिन हम GST में ड्यू डेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाएंगी. एक वो ट्रेडर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है, दूसरे वो ट्रेडर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है. दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस आया हुआ है. उस आपको पता होगा GST के जो ड्यू डेट्स होती हैं वो एवरी मंथ होती हैं, कुछ के लिए 20, कुछ के लिए 22, कुछ के लिए 24. ठीक है, तो अब सरकार ने किया, हमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो एक्सटेंशन दिया हुआ है कि मार्च, अप्रैल एंड मे, इन तीनों महीने का जो रिटर्न हैं ये आप 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है. अगर आप मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों में अगर आपका महीने का रिटर्न है और आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ या उससे कम है, तो आप 30 जून 2020 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये बात उसकी हुई जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है. अब बात करते हैं उनका जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके लिए भी सेम है. मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीने के रिटर्न्स आप 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं. आपको कोई पेनाल्टी, कोई लेट फीस नहीं देनी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. जो भी आपकी ड्यू डेट है वहाँ से 15 दिन के बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमारा मार्च एंड हो चुका है और हमारी ड्यू डेट है 20 अप्रैल, तो वहाँ से 15 डेज यानी कि 5th of May, 5 मई के बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा रिड्यूस रेट से.
रेट रिड्यूस रेट से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो जिनका 5 करोड़ या उससे कम है उनको पेनल्टी भी नहीं देनी है, लेट फीस नहीं देनी है और इंटरेस्ट नहीं पे करना है। लेकिन जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको लेट फीस और पेनल्टी तो नहीं देनी है, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 15 डेज ऑफ ड्यू डेट। तो ये है GST का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। हमारा जो अगला अपडेट है वो है ESI से रिलेटेड। जिसे कोई एम्प्लॉयर है अगर उनके पास 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो उसे ESI एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और हर मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल करना होता है। जैसे अभी मार्च एंड हुआ है तो उसकी ड्यू डेट होगी 15 अप्रैल, अप्रैल के 15 में, मई की 15 जून, ऐसे साल भर इसकी ड्यू डेट्स रहती हैं। हर मंथ की नेक्स्ट मंथ से 15 डेज से पहले आपको कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल करना होता है। इसमें भी गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन दे रखा है कि मार्च और अप्रैल का जो रिटर्न है उसमें एक एक महीने का एक्सटेंशन दे रखा है। यानी कि मार्च की जो ड्यू डेट पहले थी वो थी 15 अप्रैल, अब लेकिन आप 15 मई तक इसको पे कर सकते हैं। एंड अप्रैल की ड्यू डेट थी 15 मई, इसको आप 15 जून तक पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हमारे जो ESI एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए एक बहुत ही एक आप कह सकते हो रिलैक्सेशन है कि उनको एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अब वो चाहे तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस डेट तक एक एक महीने के जो उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है उसमें फाइल कर सकते हैं। तो ये था ESI एक्ट से जुड़ी हुई। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपसे जुड़ी हुई थी। ऐसे और भी बहुत सारी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे और भी ज़्यादा अपडेट्स आपके लिए लेकर के आ सकें। और ट्रेंड यही कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टे एट होम, बी केयरफुल, बी सेफ, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम मिलकर हटा सकते हैं। तो बी सेफ एंड थैंक यू। We'll be right back.